बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाअल्लाहुल्ला कुव्वता इल्ला बिल्ला, या हय्यो या कय्यूम। किताब ज़िक्र इलाही जहाद अकबर, सफ़र नंबर 326। तलखीसु तालीमात। रूह मुताहिरा, नफ्स मुतमईना, ज़िक्र दवाम। ज़िक्र दवाम तरीकतुल इस्लाम की नौ बनौ मनाजिर की हज़ार हासिफात पे मुश्तमिल दस्तावीजात की एक इंतहाई जामे तलखीस सलूक इलल्ला की मनाजिल के चार बुनियादी असूल और चार ही मुस्तकिल मकामात हैं जो कभी नहीं बदलते। उसूल, असूल नंबर एक, तौबतुन नसूह। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह के आगे सच्ची तौबा करो। सूरह तहरीम आयत नंबर 8। असूल नंबर दो, अल इस्तकामतुल आमाल फस्तकिम कमा उमिरता। सूरह हूद आयत नंबर 12। तो आप जैसा कि आपको हुक्म हुआ है मुस्तकीम रहिए। असूल नंबर तीन, तर्क ताम वस्बिर अला मा यकूलूना वाहजुरहुम हजरन जमीला। और ये लोग जो बातें करते हैं उस पे सब्र कीजिए और अच्छे अंदाज में इनसे अलग रहिए। सूरह मुजम्मल आयत नंबर 10। उसूल नंबर चार, ज़िक्र दवाम। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, आले इमरान आयत नंबर 191। वज़कुर इस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला। सूरह मुज़म्मल आयत नंबर 8। और वो लोग अल्लाह की याद करते हैं खड़े भी, बैठे भी और लेटे भी। और अपने रब का ज़िक्र करते रहो और सबसे कता करके उसकी तरफ मुतवज्जे रहो। वमा अलैना इल्लल बलाग। जो कुछ पढ़ा या सुना गया, दुआ है कि अल्लाह मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।